हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वैष्णवी है और आज मैं आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। एंड शुरू करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले CTM होता है। सी का मतलब है क्लेंजिंग, जो कि मैं कर चुकी हूँ। एंड देन आती है टोनिंग, यानी टोनर लगाना। मैं ये टोनर यूज़ करूँगी, दिस इज़ फ्रॉम प्लम। एंड ओके, इसको हम अभी 5 मिनट थोड़ा एब्जॉर्ब होने देंगे, उसके बाद हम एम करेंगे, यानी मॉइस्चराइजिंग। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन ज़्यादा है तो आप मॉइस्चराइजर की जगह कोई फेस सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, ये एब्जॉर्ब हो चुका है अच्छे से, 5 मिनट हो गए हैं। एंड अब मैं मॉइस्चराइज करूँगी। ऑल्दो आई हैव अ ड्राई स्किन, बट स्टिल मैं एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस वन इज फ्रॉम निविया। ऑलराइट, तो मॉइस्चराइजिंग भी अब अच्छे से हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमर। प्राइमर उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्मली सबके ओपन पोर्स इस एरिया में ही होते हैं, तो उसी जगह अप्लाई करना सही रहता है। पूरे फेस पे प्राइमर नहीं लगाना होता। आज जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शुगर। ये भी ड्राई स्किन के लिए है। आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं वो ये देख के चूज़ करिएगा कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। तो ये मैंने इतना प्राइमर ले लिया है और अब मैं इसे नोज़ के पास वाले एरिया पे ही लगाऊंगी बस, क्योंकि मेरे ओपन पोर्स सिर्फ वही हैं। एंड मैंने मिरर अपने पास रखा हुआ है बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग लेंसेज एंड वेल आई हैव हाई पावर लेंसेज। सो ओके, सो ये पार्ट भी हो गया प्राइमर। अब इसके बाद हम मेकअप पे सबसे पहले ब्राउ से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम आईज पहले कर लेंगे और इन केस फॉल आउट होता है तो हम बाद में वाइप करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। बट अगर हम पहले बेस कर लेंगे और उसके बाद आईज का मेकअप करेंगे तो फिर दिक्कत होने लग जाती है। ओके ओके, ब्राउ स्टार्ट करने से पहले ब्राउ स्टार्ट करने से पहले हम इसको स्पूली ब्रश से थोड़ा ब्रशअप करेंगे। इट्स लाइक कॉम्बिंग योर ब्राउज। मैं ये ब्राउ पेंसिल यूज कर रही हूँ फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। एंड अपनी ब्राउज को हमने एकदम आगे से शुरू नहीं करना होता, 2-3 हेयर स्ट्रैंड्स छोड़ के फिर शुरू करते हैं। अगर आपकी ब्राउज थोड़ी लाइट हैं तो आप उसको अच्छे से फिलअप कर लो। मेरी बेसिकली थोड़े इस पार्ट से होती है जहाँ आँग बनती है, अदरवाइज ठीक ही है। कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? ओके, सो मेरी ब्राउज बन चुकी हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ से थोड़ा एरिया छोड़ा था, उसको हम वापस पूरी ब्रश से ही ब्रशअप करेंगे ताकि वो ब्लेंड हो जाए उसमें। अगर आप किसी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हो तो आप इसे ज़्यादा भी फिलअप कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग में थोड़ी ऑड लगती हैं बट बाद में वो ठीक लगने लगती है पूरे मेकअप और ड्रेसअप होने के बाद। ओके, मेरी ब्राउज हो गई हैं। अब इनको कंसील करने की बारी है ताकि इनके ब्राउज को थोड़ी डेफिनेशन मिल जाए बेसिकली। एंड आई
आई थिंक मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. ओके, ब्राउ कंसीलिंग के लिए मैं ये मेबिलीन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर यूज़ करूँगी, और कंसीलर ब्रश जो होता है वो थोड़ा इस टाइप का दिखता है, एकदम फ्लैट ब्रश होता है. इसमें हम थोड़ा कंसीलर लेंगे. ओके, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस ब्राउ एंड दिस वन? इसकी थोड़ी डेफिनेशन ज़्यादा हो गई है. उस कंसीलर को हम थोड़ा आईलिड पे भी लगाएंगे ताकि आई शेडो लगाने से पहले एक बेस बन जाए. सिंस इंडियन स्किन पे ज़्यादातर थोड़ा ऐसे ब्राउनिश हो जाता है, तो अगर हम इस पे डायरेक्ट आई शेडो लगाएंगे तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं आएगा. ओके, मैंने दोनों ब्राउज को डेफिनेशन दे दी है. अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई लाइंस वगैरह ना आए ज़्यादा, और तो जस्ट बेस पे ही आ जाएगा बट स्टिल. ओके, मेरी ब्राउज हो चुकी है. इसके बाद बारी आती है आई शेडो की, और उसके लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था. ओके, मेरे थोड़े आउटफिट के साथ मैच करते हैं. दिस इज़ माय आउटफिट, मैंने सामान रखा हुआ है सारा. ओके, तो हम थोड़ा इसमें मैच करके देखते हैं. ओके, मैंने ये वाली आई पे करा था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ. मैं ये बड़ा आई शेडो ब्रश लूँगी आउटफिट के साथ थोड़ा मैच करने के लिए. सबसे पहले थोड़ा बेबी पिंक और एक गोल्डन कलर लेके इसको थोड़ा डस्ट ऑफ करके उसके बाद एक ग्रेडेशन इफेक्ट बनाऊँगी इस तरह का. राउंड मोशन में हम करते हैं, हमें इसको डस्ट ऑफ करते रहना है. अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे डस्ट ऑफ नहीं करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लगाने पे पैच पड़ जाएगा. ओके, सो आई एम प्रीटी मच डन विद द ग्रेडेशन पार्ट. इसके बाद हम इससे छोटा वाला ब्रश लेंगे. ओके, हमारे पास ये दो ब्रशेस बचे हैं, तो मैं ये वाला ब्रश लूँगी ट्रांजिशन के लिए. ट्रांजिशन कलर मैं थोड़ा पर्पल काइंड ऑफ में दूंगी. आई विल बी यूजिंग दिस कलर एंड थोड़ा इसको मिक्स करूंगी. एंड थोड़ा इससे डार्क में जाऊंगी अब इन दोनों को मिक्स करके. आप ये इफेक्ट देख रहे हैं, अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं दोनों कलर्स. वो ऊपर बेबी पिंक एंड कोरल है, नीचे पर्पल की पूरी फैमिली. ट्रांजिशन इफेक्ट भी अच्छा हो चुका है. अब इसके बाद हम कोई मेटालिक आई शेडो यूज़ करेंगे. ओके, नाउ फॉर द मेटालिक आई विल बी यूजिंग द सिटी मिनी पैलेट फ्रॉम मेबिलिन न्यूयॉर्क. एंड this will be the shade, and to apply I'll be using this moon brush. This is a big moon brush. अगर आपको finger से लगाने में easy लग रहा था वो कीजिए, क्योंकि basically finger से लगाने में easy ही होता है और application भी अच्छी होती है.
अब अगर मैं इसी चीज को फिंगर से लगाऊं देखो इफेक्ट बेटर आता है, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करती हूँ कि मैं फिंगर से लगाऊं। एंड सेम अपनी दूसरी आई पे करूंगी मैं। Can see the difference. For mascara, I'm using the Hypercolor Waterproof from Maybelline. Okay, you guys can clearly see the difference. Okay, it's time to apply falsies. मैंने इस पे ग्लू लगा दी है एंड आई गेस ये थोड़ी सेमी ड्राई काइंड ऑफ हो गई होगी, तो फॉल्सीज लगाने के लिए हम मिडल से स्टार्ट करते हैं। एंड देन हम एंड का पार्ट अटैच करते हैं एंड देन आगे का। ओके इट्स डन, मैं सेकेंड बारी अप्लाई करके आती हूँ। और गाइस मेरा आई पार्ट हो चुका है, जो अंडर आईज पर मेरे को आई शेडो लगाना है वो मैं एंड में लगाती हूँ, क्योंकि फिर एनीवे मैं करेक्शन करती हूँ उसके बाद वो हट जाता है इस वजह से। तो करेक्शन पार्ट के लिए मैं डर्मा कलर का यूज़ करूँगी करेक्टर एंड द शेड इज DFD। इंडियन स्किन टोन पे टैन कलर ही सही रहता है कलर करेक्शन के लिए। ओके कलर करेक्शन के लिए मैं फिंगर से भी कर सकती हूँ और इस ब्रश से भी यूज कर सकती हूँ। लेट मी ट्राई विद द ब्रश फर्स्ट। ऑलराइट मैंने उन सारी जगह पे अप्लाई कर लिया जहाँ पे पिगमेंटेशन है या फिर टैनिंग है, ज़्यादातर फोरहेड पे टैनिंग होती है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी अप्लाई कर लिया। अब हम इसे स्पंज से सेट करेंगे। हमें इसको रगड़ना या फिर स्वाइप ऐसे करना नहीं है, सिर्फ टैप करना है। और राइट इसको सेट करने के बाद हम अपना फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग द स्टिक फाउंडेशन फ्रॉम हुडा ब्यूटी, द शेड इज चाय 210B। अच्छा जब भी स्टिक फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, स्पेशली जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं, तो स्टिक फाउंडेशन के लिए आप अगर यहाँ पे कलर करेक्शन के बाद फाउंडेशन को
ब्लेंड करेंगे तो साथ साथ कलर करेक्टर भी ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि क्रीम और क्रीम मिक्स हो जाती है और फिर वो ग्रेश बन जाता है। इसलिए मैं अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही, यहाँ पे मैं एंड में करके दिखाऊंगी आपको। ओके, विद माय ब्लेंडिंग ब्रश, दिस वन इज फ्रॉम पैक, मैं पहले अपने फेस पे पूरा ब्लेंड करूंगी। इसकी कवरेज मीडियम है क्योंकि एकदम स्किन फिनिश काइंड ऑफ लुक देता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, अब डार्क सर्कल्स वाले एरिया की बारी है। उसके लिए मैं इस फाउंडेशन को अपनी फिंगर पे लेके डैप करके सेट करूँगी इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग इट विद अ ब्रश, बिकॉज आई हैव हैवी डार्क सर्कल्स अंडर माई आईज एंड वो ग्रे ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए। एंड सेम मैं अपनी दूसरी आई पे भी करूँगी, थोड़ा सा फिंगर पे लिया। ओके, जनरली जब हम लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं तब हम एंड में सेटिंग पाउडर से सेट करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इस स्टिक फाउंडेशन में ऐसी नीड है बिकॉज ये ऑलरेडी सेट हो चुका है काफ़ी अच्छे से। स्टिल इसको थोड़ा मैट फिनिश देने के लिए मैं इसे हुडा ब्यूटी के लूज पाउडर से सेट करूँगी। द शेड इज पाउंड केक एंड मैंने एक ऐसा ब्रश लिया, थोड़ा पाउडर डस्ट ऑफ करके एंड अपनी आई स्टिल लीव द अंडर आईज को मैं बाद में करूंगी। ओके, फॉर अंडर आईज आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन, द शेड इज बनाना एंड इसको हम स्पंज में लगा के you can see the difference, right? Okay, set हो चुका है और इसका residue जो भी है थोड़ा हम dust off कर देंगे। जेंटली करना, ज़्यादा हार्डली रब नहीं करना इस पर। ओके, अब ओके लेट्स कॉन्टोर। इनके लिए सिंस आई हैव अ ओवल फेस, हमें हर फेस शेप को बेसिकली कॉन्टोर करके ओवल शेप में ही लाना होता है। जिनके फेस शेप ऑलरेडी ओवल है उनके में बहुत सॉफ्ट कॉन्टोरिंग होती है, बहुत कम। सो आई एम यूजिंग हूला फ्रॉम बेनिफिट एंड फ्रॉम ईयर टू बिटवीन माई नोज एंड माई माउथ, मैं थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट करूंगी। इसे दूसरे कॉन्टोर ब्रश से मैं ऊपर के साइड पे ब्लेंड करूंगी। देन अ लिटिल बिट ऑन माय हेयर लाइन। कंटूरिंग के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरे फेस कॉन्टोरिंग के बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगी।
अगर आपको कोई मेकअप की स्पेशल चीज़ सीखनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। हमारा कॉन्टोरिंग पार्ट हो गया है एंड अब हम ब्लश। ओके, फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस कैलिफोर्निया फ्रॉम बेनिफिट। इसको हम कॉन्टोर के साथ ब्लेंड करेंगे जो हमने कॉन्टोरिंग की थी। ओके, बिफोर हाइलाइटिंग लेट्स कंप्लीट आर अंडर आई शेडो पार्ट एंड इसमें आई यूज दीज टू स्मजिंग ब्रशेस, one is big one and the other is small. पहले I'll use the small brush and I'll use some kind of coral and pinkish. Okay. एंड इसको बड़े वाले स्मजिंग ब्रश से थोड़ा ब्लेंड करूँगी। मैंने अंडर आई पार्ट कर लिया है पूरा एंड ओके, काजल के लिए आई विल बी यूजिंग दिस कोल पेंसिल फ्रॉम लैक्मे। Wow, it makes a lot of difference. See? Guys, look at the difference it has made. Okay, इसके बाद हम फटाफट से हाईलाइट करते हैं हाईलाइटिंग पार्ट एंड आई बी यूजिंग ओस्ट। आई जस्ट ब्रोक माई। ओके गाइज, हाईलाइटर के लिए आई एम यूजिंग मेबेलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर। ये बिल्कुल टूट रहा है, आई डोंट नो हाउ, but anyway I still love this one. So now it's time for lipstick, the second last part. Okay, lipstick के लिए first I'll be using this lip pencil from Colourbar. The shade is 016 True Earth. I'll be filling my lips with the same pencil. Or I'll just smudge. See. Okay, after this lip smudging thing, I'll be using Maybelline New York Sensational Liquid Matte in the shade, I don't know, is it 09? I'll mention it in the description. It's nude kind of color. Did I just use the wrong colors? Oh wow. Okay, I don't think I used the wrong.
सिंस आई डोंट थिंक दैट इट मैचेस माई आउटफिट और माई आई शेडो मेकअप सो आई विल बी यूजिंग अनदर वन. ओके आई विल बी यूजिंग दिस कलर सेंसेशनल लिपस्टिक इन द शेड कोरल पिंक फ्रॉम मेबेलिन. Yeah, this matches. And the last part is setting. I'll be setting this makeup with Revolution. Okay, Makeup Revolution Glow Fix Illuminating Fixing Spray. Alright, just spray it on. Alright guys, this was it. If you like the video, give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos, and you can also follow me on my Instagram, and I'll see you guys next time.